हे एवरीवन, मेरा नाम है निखिल एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑल द 11th क्लास स्टूडेंट्स। तो यार जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका कि या तो अभी तक बिल्कुल भी प्रेपरेशन स्टार्ट ही नहीं किया है या फिर तुमने स्टार्ट कर दिया है एंड तुम्हारा बहुत ज़्यादा बैकलॉग वगैरह है, तो उन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि यार एक पेन एंड एक पेपर लेके बैठ जाओ, बिकॉज इस वीडियो के अंदर जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसके अंदर तुम्हें खुद से भी काफ़ी ज़्यादा इनपुट देना होगा ताकि तुम्हारे लिए जो बेस्ट पॉसिबल प्लानिंग है वो बन करके आ पाए। सो आईआईटी के अंदर एक सीट के लिए थोड़ी सी मेहनत तो कर सकते हो, बाकी की मेहनत तो करनी ही है। तो सबसे पहले ये करो कि यार तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हैं अगर तुम्हारे पास में सिलेबस प्रिंटेड है देन उसी के ऊपर कर लो, एंड अगर नहीं है देन यार तुम्हारे जितने भी चैप्टर्स हैं जो कि तुमने कवर कर लिए हैं या फिर करने वाले हो उन सब के आगे लिखो कि तुम्हारा वो क्या लेवल तक कंप्लीटेड है। लेवल ज़ीरो है मतलब तुम्हें उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, या तो तुमने वो अभी तक पढ़ा ही नहीं है या फिर तुम्हें पहले पढ़ा दिया गया था कोचिंग में या स्कूल में जहाँ पर भी तुम पढ़ते हो बट तुमने अभी तक उसे कवर नहीं किया है। लेवल वन जिसके अंदर कि यार तुम्हारा वो जो चैप्टर है वो तुमने स्कूल में पढ़ा हुआ है बट अच्छे से उसके ऊपर जेई लेवल के लिए प्रेपरेशन नहीं किया। लेवल टू कि तुमने उसे जेई मेन लेवल तक अच्छे से कवर कर रखा है प्लस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह तक भी तुमसे हो पा रहे हैं जेई मेन के, देन तुम्हारा वो लेवल टू तक कंप्लीटेड है। सो यार वीडियो को पॉज कर लो एंड अपने जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें लिख लो कि तुम्हें वो कौन से लेवल तक आते हैं, एंड उसके बाद में तुम्हारा जो प्रेपरेशन का प्लान होगा वो तुम खुद से डिज़ाइन करने वाले हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। एंड बिलीव मी, इससे बढ़िया प्लान तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता बिकॉज ये तुम खुद बना रहे हो। सो पॉज द वीडियो। सो अब मैं कुछ चैप्टर्स के नाम लेने वाला हूँ, अगर तुम्हारा जो प्रेपरेशन है उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर लेवल वन या फिर लेवल ज़ीरो है देन तुम्हें उसके ऊपर मेहनत करनी है एंड उसे एटलीस्ट जेई मेन लेवल यानी कि लेवल टू तक पहुँचाना है। सो ऐसे चैप्टर्स होने वाले हैं यार केमिकल बॉन्डिंग, बिकॉज ये तुम्हारी पूरी की पूरी जो ब्लॉक केमिस्ट्री है पी ब्लॉक एस ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, एंड कुल मिला के यार ये तुम्हारा पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाला है। सो इस चैप्टर को हमें ज़रूर से करना है। सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर यार जो है वो तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि यार जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जीओसी एंड उसके साथ में यार आइसोमेरिज्म। तो ये जो दो चैप्टर्स है ये एकदम बेसिक लेवल चैप्टर्स होते हैं जो कि तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेस डिज़ाइन करते हैं, एंड अगर तुमने ये अच्छे से नहीं किए दें तुम्हारी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो तबाह हो जाएगी। नेक्स्ट यार आता है मोल कॉन्सेप्ट। तो जिस तरीके से यार जो जीओसी एंड आइसोमेरिज्म जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेस डिज़ाइन करते हैं, सिमिलरली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मोल कॉन्सेप्ट जो है वो एक बेस डिज़ाइन करता है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स के अंदर इनडायरेक्टली यूज़ भी होता है। तुम्हें इसके अंदर जो कन्वर्जन होते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के वगैरह जो भी है वो सब कुछ काफ़ी अच्छे से सीखना है बिकॉज 12th के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इनका एंड 11th में भी होने वाला है, वो तुम टाइम के साथ देख चुके होगे मेरे हिसाब से। इसके अलावा यार फिजिकल केमिस्ट्री का एक और चैप्टर है जो कि शायद तुम्हें कोई ना बताए कि तुम्हें वो अच्छे से कंप्लीट करना है सबसे पहले, हो सकता है, बट मैं तुम्हें ज़रूर कहूँगा कि जो चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स उसे ज़रूर से कंप्लीट कर लेना अपने जो भी बैकलॉग है उसे स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि इंडिविजुअली तो आता ही आता है बट और भी बहुत सारे चैप्टर्स के साथ मिक्स होकर के आता है, जो भी एंथैल्पी गिब्स फ्री एनर्जी फलाना फलाना सब कुछ मिक्स होकर के आता है, एंड थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़े क्वेश्चंस भी देता है तुम्हें आईआईटी जेई के अंदर, तो इसे ज़रूर से कर लेना ताकि तुम्हें बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब हम मूव ऑन करते हैं ऑन फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर यार जो सबसे पहला चैप्टर आता है बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर्स उसे ज़रूर से कर लेना बिकॉज वो तुम्हारे पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर काम आने वाला है, चाहे तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ो चाहे तुम मैकेनिक्स पढ़ो चाहे तुम थर्मल फिजिक्स पढ़ो चाहे तुम ऑप्टिक्स पढ़ो चाहे तुम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ो, हर जगह ये चीज़ तुम्हारे काम आने वाली है तो इन्हें ज़रूर से कर लेना। वेक्टर्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स के बाद में जो चैप्टर्स आते हैं वो तुम्हें करने हैं यार NLM यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी, ये चैप्टर्स इसलिए करने हैं बिकॉज ये तुम्हारी जो मैकेनिक्स है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं प्लस इनका तुम्हें काफ़ी ज़्यादा यूज़ अपने आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर दिख जाएगा, एंड रोटेशन जो है यार वो अगर तुम्हें अभी नहीं किया तुमने देन उसको थोड़ा होल्ड पे रखना, पहले बाकी की जो मैकेनिक्स है उसे अच्छे से करना ताकि तुम्हारा जो रोटेशन है उसके अंदर तुम्हारा एक अच्छा खासा बेस पहले से हो मैकेनिक्स का एंड तुम रोटेशन को काफ़ी अच्छे से कर पाओ।
बिकॉज रोटेशन जो वो काफी खतरनाक चैप्टर है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो यार मैथमेटिक्स के अंदर जो तुम्हें स्टार्टिंग के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स करवाई जाती है, जिसके अंदर की लॉगरिदम्स आता है, मॉड्यूलस आता है, इनइक्वालिटीज आती हैं, वो सब जरूर से कर लेना, बिकॉज उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। प्लस उसके अलावा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है उसे भी काफ़ी अच्छे से कर लेना, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, तुम सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे चैप्टर्स में भी वो यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा यार मैथमेटिक्स जो है 11th क्लास की, उसके अंदर तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसे काफ़ी अच्छे से कवर कर लेना, बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो एक काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखता है जेई के अंदर, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एंड ईजी है एंड नंबर्स भी ज़्यादा देने वाला है। देन और क्या चाहिए यार तुम्हें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है यार इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है 12th की मैथमेटिक्स के अंदर भी, बिकॉज वहाँ पर भी तुम्हें कॉनिक सेक्शंस वगैरह मिलेंगे, वेक्टर 3D जो है उसके अंदर भी तुम्हें उसके टाइप के ही कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। प्लस जो तुम्हारा कैलकुलस है उसके अंदर भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इसके यूज़ होने वाले हैं, सो इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। सो यार अब हम बात करते हैं कि आखिर तुम बैकलॉग कैसे कवर करोगे। तो बैकलॉग कवर करने के लिए यार तुम्हें सबसे पहले पढ़नी है थ्योरी। तो थ्योरी पढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना है कि यार जो भी तुम बुक फॉलो करते हो तुम उससे पढ़ सकते हो, अगर तुम्हारे पास में नोट्स बनाए हुए हैं देन तुम उन नोट्स को फॉलो कर सकते हो, अगर तुम ऑनलाइन कहीं पर पढ़ते हो देन तुम्हारे पास में रिकॉर्डिंग लेक्चर्स है तुम उन्हें भी देख सकते हो अगर तुम्हारे पास में उतना टाइम है तो। प्लस उसके अलावा यार तुम अगर चाहो देन मान लो कि तुम्हें बेसिक लेवल थ्योरी याद है थोड़ी बहुत, बस तुम्हें उसे थोड़ा ब्रशअप करना है एंड तुम्हारे पास में नोट्स वगैरह नहीं है पर्टिकुलरली, हो सकता है कोई रीज़न, देन तुम वन शॉट टाइप के जो लेक्चर्स होते हैं उन्हें देख सकते हो। बट मैं प्रेफर करूँगा कि तुम या तो नोट्स या फिर जो फुल लेक्चर्स हैं उन्हीं से करना, या फिर बुक से भी कर सकते हो। वन शॉट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेंगे तुम्हारी प्रेपरेशन के लिए, बिकॉज अभी तुम 11th में हो देन तुम टाइम दे सकते हो अपनी प्रेपरेशन को। थ्योरी करने के बाद में जो चीज़ आती है वो आती है यार क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के लिए यार तुम कुछ बुक्स जो है उन्हें फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर तुम कोचिंग या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो एंड तुम्हें वहाँ पर शीट्स या फिर DPPs दी हैं देन तुम उन्हीं को करना, तुम्हें एक्स्ट्रा बुक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तुम्हारा जो टीचर है वो तुम्हें ये भी बता देगा कि तुम्हें क्या क्या फॉलो करना है, तो तुम यार उन्हीं की बात मानना एंड जो भी वो शीट्स बुक्स जो भी वो सॉल्व करने को कहें उसे ज़रूर से सॉल्व करना। तो यार मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, एंड अगर तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है देन तुम उसका या तो PDF यूज़ कर सकते हो, या फिर तुम अगर चाहो देन उन बुक्स को खरीद करके हार्ड कॉपी में भी पढ़ सकते हो। लिंक जो यार वो मैं डिस्क्रिप्शन में देने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम वहाँ से उन बुक्स को खरीद सकते हो। तो फिजिक्स के अंदर यार तुम्हें या तो HC Verma जो बुक है उसकी थ्योरी पढ़ सकते हो, तुम उसकी थ्योरी भी काफ़ी बढ़िया है, प्लस उसके जो क्वेश्चंस है वो तुम्हें करने हैं, ठीक है। उसके अलावा तुम जो शीट है किसी भी कोचिंग की अगर तुम पढ़ रहे हो देन उसे सॉल्व कर सकते हो। मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो यार मैथमेटिक्स के अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर तुम चाहो देन किसी भी एक बड़ी बुक जो भी आती है, मोटी मोटी बुक्स होती हैं जैसे कि सेंगेज हो गया, अरिहंत हो गया, इनके सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो है उन्हें अच्छे से सॉल्व कर लो, एंड उन्हें करने से यार तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है एंड तुम हर टाइप के लगभग क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाओगे। प्लस इनके अंदर जो इन चैप्टर एक्सरसाइज होती है जो थ्योरी के बीच बीच में क्वेश्चंस दे रखे होते हैं तुम्हें खुद से सॉल्व करने के लिए, उन्हें भी कर सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगे तुम्हारी प्रेपरेशन के लिए। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें देन केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं एंड 3 ही तुम्हें बुक्स करनी पड़ेंगी। अगर तुम्हारे पास में शीट DPP है देन उन्हें फॉलो करना कोई ज़रूरत नहीं है बुक्स की, बट अगर तुम्हें बुक्स फॉलो करनी है देन यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं तुम्हें कहूँगा कि MS Chauhan जो है एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस बुक के Level 1 जो क्वेश्चंस है वो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास में टाइम बचे देन Level 2 पर मूव ऑन करना, बट Level 1 जो है वो मैंडेटरी है। सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें देन जो नरेंद्र अवस्थी की बुक आती है प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, उसका जो Level 1 एक्सरसाइज है उसे तुम अच्छे से सॉल्व कर लेना, सेम जैसा मैंने तुम्हें ऑर्गेनिक में कहा था कि अगर तुम्हारे पास में टाइम बचे देन तुम Level 2 पर मूव ऑन करना। नेक्स्ट यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें देन यार तुम उसमें शीट या DPP जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, बिकॉज बुक्स के अंदर तुम्हें उस लेवल की प्रेपरेशन नहीं हो पाती है, बट स्टिल अगर तुम कोई बुक सॉल्व कर रहे हो देन उसका Level 1 जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व कर लेना, उतना मोर देन सफिशियंट होगा। सो आई होप तुम्हें अभी तक ये पता चल चुका है तुम्हारे कौन से चैप्टर की कितनी लेवल ऑफ प्रेपरेशन है, तुम्हें कौन से चैप्टर्स पहले कवर करने हैं, तुम्हें किस तरीके से चैप्टर्स कवर करने हैं। एंड इसके अलावा यार तुम्हें मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अगर तुमने ये नहीं की देन यार कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सबसे पहली चीज़ क्या, रिवीजन इज़ कंपलसरी। अगर तुमने रिवीजन नहीं किया देन भूल जाओ कि तुम्हारा बैकलॉग कभी ख़त्म ही होने वाला है, बिकॉज तुम्हारे 5 चैप्टर्स बैकलॉग में, तुमने पहला किया ठीक है, दूसरा किया ठीक है, तीसरा किया, फोर्थ किया, जैसे तुम 4th चैप्टर पे होगे तुम पहला जो चैप्टर है उसे वापस से भूल चुके हो, एंड
तुम वापस साइकिल में घूमते घूमते रहोगे एंड तुम बार बार वही चैप्टर्स पढ़ते रहोगे एंड फाइनली तुम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। सो इसलिए मैं तुम्हें यही कहूँगा कि रिवीजन जो है वो नेसेसरी है। रिवीजन करोगे देन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, वरना तुम्हारा जो बैकलॉग है वो वापस जाएगा एंड घूम के वापस आएगा। सो वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान करने वाला है। सेकेंड चीज़ की यार, नो मोर बैकलॉग। अगर तुम्हारा बैकलॉग हो गया है तो ठीक है, बट अब अगर तुम्हें जो आगे चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं उन्हें और बैकलॉग मत होने दो, उन्हें साथ साथ पढ़ते रहो। तुम्हें जितना आ रहा है अच्छे से कर पा रहे हो सब कुछ करो, थोड़े डाउट्स वगैरह पूछो, थोड़ा अपने दोस्तों की हेल्प लो एट्सेट्रा, तुम कर सकते हो वो सब कुछ, बट नया बैकलॉग नहीं बनने देना है, बिकॉज तुम अभी पिछला ही कवर नहीं कर पाए एंड तुम नया बैकलॉग बना रहे हो तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। नेक्स्ट की यार, तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर से करने हैं, बिकॉज अगर तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए देन यार बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम रिवीजन के बाद भी जो थ्योरी है उसे भूल जाओगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हारे कितने चैप्टर्स बैकलॉग में। सो बाय। My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll